पहले जो यहाँ पर इंटरनेट था वो केबी में भी नहीं चलता, अब MBPS में पकड़ता है। तो है ये प्राइवेट कंपनी वाला, सरकार तो हमको कुछ नहीं दे रहा, प्राइवेट वाला जो दे दे वो अच्छी बात है, सरकार के पास खुद अपने लिए नहीं है तो हमको कहाँ से देगा। बहुत ही डिफिकल्ट है नेटवर्क, हम लोग कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, खेत वगैरह में जाना पड़ता था, नहर पर जाना पड़ता है, जहाँ व्यवस्था हो, अंधेरा हो जाता था तो लेट टूट आते थे, घर से गार्जियन से भी बात सुनना पड़ता था इसके लिए। और 75 साल के बाद आपके गाँव में लोग पहली बार जो अच्छे तरीके से इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे, और ये जब नहीं था तब कितना मुश्किल था सर? मुश्किल था, हम लोग तो लोकल मोबाइल चलाते हैं, इसका भी टावर नहीं मिलता था तो कभी ऊपर जाते थे कभी एक डिलीवरी व्यक्ति औरत को लेके जाइए रोड पर जाते जाते उसका हो जाएगा, उसके उस पे गाड़ी पर बिठाई, खराब स्थिति, खराब स्थिति है। शर्म नहीं आ रहा, कोई नेता आता नहीं है इधर, अंधे में आता है उस दिन। अच्छा, उसके भी पहले जिस समय बहुत माहौल खराब हुआ करता था तो माले वाले लोगों ने, जो वर्तमान में हमारे विधायक हैं जी जी, उन्हीं पार्टी के लोगों ने 3 रईस किसानों की हत्या कर दी। अजीत कुशवाहा जिस पार्टी से हम क्या करते हैं? हाँ, अभी जिस पार्टी से हैं, 1739 उस समय से हम सारी गांव बहुत चर्चित है, चर्चित तो बहुत पहले से, इसलिए कि इस गांव का कभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते। अभी हम बिहार के बक्सर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर चौंगाई प्रखंड के अमसारी गांव में मौजूद हूँ। हाँ, पोस्ट अमसारी ही है, और इस अमसारी गांव में आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, और एक लंबा सा आपको टावर दिखाई दे रहा होगा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि बिहार का एक ऐसा इकलौता गांव है जहां पर आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में लोग जो है इंटरनेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे पहले टावर नहीं था। और लोग जो है सबके हाथों में तो हैंडसेट एंड्रॉयड सेट है, बट उसमें इंटरनेट का जो सिस्टम था वो नहीं था, और बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। ये जब तमाम लोग हैं, इन सब कुछ लोग जानने की कोशिश करते हैं, तो ये बताइए इसके आने से कितना कुछ प्रभाव पड़ा है? पहले जो यहाँ पर इंटरनेट था वो केबी में भी नहीं चलता, अब MBPS में पकड़ता है, इससे बहुत परेशानी होती थी पहले इंटरनेट चलाने में, लेकिन इसके लगने से बहुत फ़ायदा हुआ है। ऑनलाइन क्लास करने में भी कुछ दिक्कत होती लेकिन अब ऐसा दिक्कत नहीं है। तो पहले तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास में जब कोरोना काल में सरकार भी चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई का ज़्यादा महत्व दी तो बहुत तो काफ़ी डिफिकल्ट आप लोग हो रहा होगा एजुकेशन, बाहर जाकर करना पड़ता था, गांव में नहीं हो पाता था। तो ये तो सभी गांव की समस्या होगी ना? सभी गांव के हैं, लेकिन अब इस गांव की समस्या नहीं ना है, अब यहाँ पर टावर लग गया तो बेहतर हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नंद कुमार सिंह। ये नंद जी हैं और ये इस गांव के काफ़ी गार्जियन व्यक्ति हैं। क्या नाम है सर? राजू सिंह उर्फ कृष्ण मोहन सिंह। टावर आज गड़ा है, टावर जब नहीं गड़ा था तब की समस्या क्या थी इस गांव? बहुत समस्या थी। जैसे में सर? हमारा नेटवर्किंग प्रॉब्लम रहता था, और सबसे ज़्यादा एजुकेशन लाइन में, चाहे जो भी हमको फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, आजकल तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई है, तो इसके लिए यहाँ पर जो खुले हुए हैं बूथ वगैरह जो लगे लड़के चला रहे हैं ऑनलाइन की, उनको भी समस्या होती थी। अभी जो है सुविधाजनक तो है, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसे भी अच्छा हो, और कोशिश दे पा रहा है सर? हाँ, स्पीड तो दे रहा है, जितना चाहिए अभी दे रहा है, जिस हिसाब से है वो अभी दे रहा है। ये किस कंपनी का? एयरटेल का है। एयरटेल का तो अच्छा खासा स्पीड दे रहा है। हाँ, स्पीड दे रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद आपका गांव ऐसा है जहां पर सर ये टावर गड़ा और लोग इंटरनेट कर पा रहे हैं, काफ़ी खुशी भी होगी? खुशी तो है, ये प्राइवेट कंपनी वाला, सरकार तो हमको कुछ नहीं दे रहा, प्राइवेट वाला जो दे दे वो अच्छी बात है, सरकार के पास खुद अपने लिए नहीं है तो हमको कहाँ से देगा। तो मेरा किसान का मोर्चा बना रहे हैं, अपना पॉकेट भर रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि ये एयरटेल का टावर गड़ा गया है, और जो लोग जो है जियो या फिर अदर कंपनी का सिम यूज़ करते हैं उनके लिए तो काफ़ी भी अभी आज भी डिफ़िकल्ट का सामना करना पड़ रहा होगा। हाँ हाँ, जो कर रहे हैं उनके लिए तो है, अभी भी है, अब बहुत बहुत ही डिफिकल्ट है नेटवर्क, हम लोग कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, खेत वगैरह में जाना पड़ता था, नहर पर जाना पड़ता है, जहाँ व्यवस्था हो, अंधेरा हो जाता था तो लेट टूट आते थे, घर से गार्जियन से भी बात सुनना पड़ता था इसके लिए क्या करने गया है ये सब फलाना ढिकाना तो यहाँ पर तो पता चल जाता है ना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा स्टडी में तो बेटर हो गया है पहले की अपेक्षा, और हमारी जो भी ऑनलाइन व्यवस्था है वो थोड़ी सुविधाजनक हो गई है इसके आने से, हमको थोड़ा तकलीफ कम हो रहा है, बाकी देखिए। तो लोग यहाँ से मतलब पढ़ाई के लिए मुझे लगता है कि जब कोरोना काल में इतने नहीं कर पा रहे थे बहुत, और हमारे यहाँ भी मान लीजिए उतना तो किसी के पास पैसा नहीं होगा, डेली यहाँ से 7-8 किलोमीटर जाएगा, जाकर का वहाँ पर खर्चा, पैसा का भी खर्चा है, घर का समय भी बर्बाद होता था, 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है, तो यहाँ का साधन भी नहीं था उस हिसाब से, सबके पास गाड़ी तो है नहीं, सबके पास पैसा तो है नहीं कि सब जाएगा, कि साइकिल से जाते थे, वहाँ पर जाके कोचिंग करें चाहे जो भी करें पढ़ाई होता। अभी तो इससे है ऑनलाइन पढ़ाई से भी थोड़ा फ़ायदा है, इससे हमको ज़्यादा सुविधा मिल रही है, लड़के लोग कुछ गार्डिंग कर पाएंगे आगे के लिए, ये हमको लगता है। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण मोहन सिंह, राजू सिंह। ये कृष्ण मोहन सिंह से, और किस तरीके से बेबाकी से अपना राय रखे सर? ये जब नहीं था और आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, और 75 साल के बाद आपके गांव में लोग पहली बार जो अच्छे तरीके से इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे, और ये जब नहीं था तब कितना मुश्किल था सर?
मुश्किल था। हम लोग तो लोकल मोबाइल चलाते हैं, इसका भी टावर नहीं मिलता था तो कभी ऊपर जाते थे कभी बाहर निकलना पड़ता था। अच्छा सर, किसकी कमी कही जाएगी कि मैंने आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार आज अब लगा है ये टावर? अभी कमी किसकी कही जाएगी, ये तो सरकार को खोजना चाहिए कि कहाँ लगवाएं नहीं लगवाएं। इतनी बड़ी गाँव है, लमसम हमें लगता है कि यहाँ 58 वोटर हैं, तो आबादी मान के चलिए कि 15,000 से कम नहीं होंगे। अब बच्चे लोग बताते हैं, पूछते हैं हम तो कि अब रजाई में भी हाँ चल रहा है, नेट मिल रहा है, यही है। तो ये कहा जा सकता है सर कि हम सारी गांव को जो नेता हैं वो उपेक्षित है दृष्टि से देखते हैं, तभी तो अभी तक इस गांव में टावर नहीं गड़ा था। वो तो देखते ही नहीं है, उनके पास अपने लिए टाइम नहीं, दूसरे क्या देखेंगे। कोई भी नेता बुलाइए मेरे पास। एक बहुत बड़ा राजनीति क्षेत्र का ये अमसारी गाँव है, चुतिया क्षेत्र का राजनीति है। चुतिया कह रहे हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक्टिविटी है ही नहीं अपने अलावा, वो सिर्फ नाम कमाने के लिए हैं कि मेरा नाम होना चाहिए, कि हम भी हैं कुछ जिला में, उनका नाम होना चाहिए। है क्या उनके पास कुछ है? कभी किसी को विकास एक भी व्यक्ति दिखाई हम सारी घुमा करके किसी का वो काम किए हो? विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। नली गली बन गया, वो मजबूरी में करना पड़ रहा है कि नहीं होगा तो देखेंगे। सरकार के पास तो कुछ तो जाना चाहिए उसका योगदान, उसमें घोटाला कैसे करेंगे? नली गली अभी खाने यहाँ पर खाना के बाद दिखवाएं कितना ढलाई किया है वो, कितने दिन टिकेगा ये? इसमें भी घोटाला हुआ है, होगा ही है, कौन है कि नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जो नेतागण हैं कहीं ना कहीं इस गांव को जो है और उपेक्षित नजरों से देखते हैं, तभी जो है आजादी के 75 साल बाद जो इस गांव में लोग अच्छे तरीके से। हमारे मेन रोड से आप आइए, पता कीजिए कितने साल से वो रोड डैमेज है, कितने साल पहले रिपेयरिंग हुई है। मेन रोड से आप आते हैं स्टैंड से हमारे, जाकर देख कर आइए और देखिए कितने साल से वो बंधा हुआ है, कब से रुका हुआ है, अभी क्या कंडीशन है। एक डिलीवरी व्यक्ति औरत को लेकर जाइए रोड पर, जाते जाते उसका हो जाएगा, उस पे गाड़ी पर बिठाई, खराब स्थिति, इतनी खराब स्थिति है। शर्म नहीं आ रहा, कोई नेता आता नहीं है इधर, अंधे में आता है वो। सर ये गांव दोस्तों आपको बता दूं, ये गांव जो है चर्चा में तब आया था जब इस गांव के जो है हमसारी गांव के 6 लोग जो है शराब पीकर उसी तरह के चर्चा में यहाँ पर फेमस होने के लिए लोग आते हैं। हाँ, इसे नहीं कोई पूछने आएगा। उस समय देखे थे बड़ा, मतलब ये उससे भी पहले 17 अगस्त 1989 यानी रक्षाबंधन के दिन, अच्छा उसके भी पहले जिस समय बहुत माहौल खराब हुआ करता था, तो माले वाले लोगों ने जो वर्तमान में हमारे विधायक हैं जी जी, उन्हीं पार्टी के लोगों ने 3 रईस किसानों की हत्या कर दी। अजीत कुशवाहा जिस पार्टी से हम क्या? हाँ, अभी जिस पार्टी से हैं, 17 अगस्त 1989 उस समय से हम सारी गांव बहुत चर्चित है। चर्चित तो बहुत पहले से, इसलिए कि इस गांव का कभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। अच्छा, कौन है सर, बता सकते हैं? ना, कन्हैया सिंह चीफ जस्टिस थे। हाँ हाँ, अभी बगल में आप देखिएगा उनका मकान है पोखरे के बगल में। आप रांची में KCC फैक्ट्री है जिसका कभी इसी गांव का GM हुआ करते थे। अच्छा हाँ, और इतने दिग्गज इस गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस गांव की मतलब दुर्दशा इतनी हो गई कि अब पहली बार आज़ादी के बाद टावर गड़ रहा है और लोग यूज़ कर पा रहे हैं। क्या परिचय है आपका सर? पप्पू सिंह उर्फ उपेंद्र सिंह। कितना सहलूत हुआ है सर इसको? इस सब का जो हुआ है ये चाचा लोग का बदौलत ही हुआ है। ये सबसे बड़ा उपलब्धि इन्हीं लोग का है कि आज आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे गांव में टावर लगा। ई लोग का मतलब श्रेय जा रहा है हम लोग की दृष्टि से, और अच्छा सुविधा हम लोग को मिल रहा है इससे। सर आजकल सब एक्टिविटी जो है ऑनलाइन हो गई है, इस ऑनलाइन के ज़माने में जो है टावर न होने के कारण आप लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारा समस्या, जैसे मान लीजिए नेट हम लोग भरवाते थे, उसके बाद ऐसे ही चल जाता था, यूजलेस हो जाता था, ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पाते थे हम लोग, यही सब था। तो अब चल रहा है इंटरनेट? हाँ हाँ, एकदम बढ़िया बढ़िया। टीचर भी हैं जी? तो आपको तो ऑनलाइन क्लास की देखने की या फिर पढ़ाने की मतलब बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग जो चाहेंगे वो हो सकता है आप गाँव में। लेकिन अभी भी सिर्फ ये एयरटेल का ही लगा है? हाँ, एयरटेल का लगा है, तो हम लोग एयरटेल यूज करते हैं, करेंगे। तो मजबूरी है एयरटेल यूज करना आपके घर में? हाँ हाँ सर। जो जियो वाले होंगे उनका भी व्यवस्था कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप लगाइए, अगर आपसे होता है जियो वाले भी आ जाएगा, हो सकता है आपकी बात सुने तो आ जाए। बिल्कुल, ये आवाज जाएगी, हम उनको जगह देंगे उनको जगह, जहाँ बोलेंगे वहाँ देंगे। लेकिन आए तो विकास के लिए कोई भी आएगा मेरे पास, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे जितने हिस्सेदारी में जमीन है मैं दान कर दूंगा अगर विकास मेरा गांव हो। ये आपके जमीन में कड़ा? हाँ, मेरा जमीन में। तो ये देख सकते हैं कि ये गांव में जो है पहली बार जो है खुशी की लहर लोगों में है। सर इसी गांव के रहने वाले हैं तो अच्छी बात है, पहले तो प्रॉब्लम था ही, लेकिन अब कुछ राहत मिला है लोगों को और आगे भी मिलने की उम्मीद है। देखिए आगे क्या होता है, करते क्या है, लोग आते हैं कि नहीं आते हैं लोग, और जी कंपनी आए तो कुछ और सुविधा हो जाएगा हम लोगों को। अभी एयरटेल का तो बेहतर अभी कुछ काम कर रहा है, पहले तो ऐसे ही प्रॉब्लम ही था, छोटा मोबाइल भी चलाना मुश्किल था।
अब तो थोड़ा राहत मिला है सर। अब सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो गया, बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर पैसे निकालने तक सब कुछ डिजिटल हो गया है और डिजिटल इंडिया भी कहा जा रहा है। इस युग में, इस डिजिटल इंडिया युग में जो है पहली बार आज़ादी के बाद आप में टावर लगा है तो खुशी तो होगी मुझे। बहुत 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 खुशी है अभी तक, बहुत खुशी। बच्चे पढ़ पा रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ पा रहे हैं और सुविधा भी मान लीजिए इससे अच्छा है। अच्छा, अभी तक क्या कमी थी कि टावर नहीं गढ़ पा रहा था? अब किसके, ये सरकार की कमी है, सरकार ही देख सकते हैं ना। मान लीजिए कमी का सरकार तो मान लीजिए इसको पहल ही नहीं करता है, पब्लिक तो मान लीजिए तैयार है कि भाई हम दे देंगे जमीन जगह, यही कर सकते हैं हम लोग और क्या कर सकते हैं। क्या नाम है सर? राजेश सिंह नाम है मेरा। देख लीजिए हमारे यहाँ विकास का कचड़ा फेंकने के लिए देता है ना सरकार, क्या बाल्टियाँ क्या क्या देते हैं आप, क्या क्या बांट रहे हैं, कहाँ रखेंगे ये देखिए कचड़ा क्या है। आज कितने वर्षों से हम देख रहे हैं, जिसकी जमीन है वो तो सहूलियत अभी तक नहीं रोका है, जिस दिन रोक देंगे वो कहाँ जाएंगे फेंकने के लिए, ये बताइए। आपकी जमीन है? नहीं, ये हमारे बगल में है, उनका कोई यूज में अभी नहीं आ रहा, तो बेचारे चल रहा। हम लोग का कुछ सामुदायिक कार्यक्रम भी हो जाता है यहाँ पर, हम लोग साफ करते हैं, लेकिन ये रोड पर आता है डेली, हमको सुबह शाम झाड़ू मारना पड़ता है। डंपिंग जोन नहीं है सर? कोई डंपिंग जोन नहीं है यहाँ पर, डंपिंग जोन था ये गवर्नमेंट बोलती है यहाँ पर डंपिंग जोन है, यहाँ पर ये पानी का जंप ये करेंगे डंप करेंगे ये करेंगे, कहाँ निकास कहीं भी दिखाइए हमको, गाँव में कहीं निकास है पानी का? बरसात में अब देखिए क्या हालत होती है। मतलब इस गांव में टावर का प्रॉब्लम तो था ही जो कि एक दूर हो गया, इसके अलावा अनगिनत इस गांव की समस्याएं हैं। बहुत सारी है, बहुत सारा है। बगल में देखिए डेंगू का इकट्ठा कर रहे हैं हम, देखिए हमारा रूम सटा हुआ है, कचड़ा है, जमीन वाले फ्री तो छोड़ दिया है, किसको मना कीजिएगा आप, झगड़ा तो हम करेंगे नहीं। बिल्कुल, और ये इन लोगों का काम नहीं है कहीं ना, ये सरकार का और यहाँ की जो जन प्रतिनिधि है उनका काम है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गांव को हे दृश्य से देखा जाता है यहाँ के जन प्रतिनिधि और आला अधिकारी और यहाँ के नेताओं के द्वारा। और ये जो आपको टावर दिखाई दे रहा है आमसारी गाँव में, आज़ादी के पहली बार ये ऐसा टावर है जहाँ पर लोग जो है पहली बार इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे। तो अभी आप जो रिपोर्ट देख रहे थे ये आमसारी से रिपोर्ट था, मैं नरेंद्र बसंत हूँ, आप जनतंत्र खबर देख रहे थे, हमारे कैमरे पर साथी हैं अविनाश आर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद।